किसान के सवाल पे सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसका एक नमूना हमें कल देखने को मिला। यात्रा का तीसरा दिन था, हम पंजाब के आखिरी पड़ाव पे थे। दिल्ली से खबरें आनी शुरू हो गईं कि सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पे अपना रुख बदल रही है, सरकार किसान की बात सोच रही है। रेडियो पे खबर आ रही थी कि किसान की आत्महत्या के बारे में संसद में बहस हो रही है, सुन के ठीक लग रहा था। वहीं कैथल जो हरियाणा में है, वहाँ के किसान बैठे हुए हैं भूमि अधिग्रहण के खिलाफ। यही सरकार जो दिल्ली में कह रही है हाँ भूमि अधिग्रहण की नीति को बदल रहे हैं, वही सरकार कैथल में किसानों को धमका रही थी, उनसे बार्गेन कर रही थी। कानून कहता है कि उन्हें जो कलेक्टर रेट है उसका 4 गुना मिलना चाहिए। सरकार भाव तौल कर रही थी कि 2 गुना मिले, 2.5 गुना मिले, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, जिद पे क्यों अड़े हो, नहीं तो सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कल शाम को कैथल के किसानों के बीच जाने का मौका मिला, उनसे बात हुई। किसान क्रुद्ध थे, आक्रोश थे, आमरण अनशन पर बैठे थे, और उन्हें मैंने कहा कि इस स्थिति में सरकार कानून तोड़ रही है और आप कानून के संरक्षक हो। कल पंजाब का आखिरी दिन था, आने से पहले पटियाला यूनिवर्सिटी में किसानों के बच्चों से बात हुई। यूनिवर्सिटी बनी है पंजाबी भाषा के लिए, बनी है ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए, लेकिन गाँव के बच्चों के लिए आना कठिन है। आ जाएं, हॉस्टल मिलना कठिन है। लड़कियां मिली, कह रही थी कि एडमिशन तो मिल गया सर, पर आज मैं चिट्ठी दे के जा रही हूँ कि मैं रह नहीं सकती यूनिवर्सिटी में क्योंकि हॉस्टल नहीं मिल रहा। हर तरफ से देश की शिक्षा नीति पे जितनी बहस होती है सब 20-25 बड़ी यूनिवर्सिटियों के बारे में है। देश के 95% बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, किसानों के, गाँव के, उनके बारे में किसी को चिंता नहीं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में देख के यही लगा। पंजाब का हिस्सा ख़त्म, अब हरियाणा शुरू। कल रात अंबाला पहुँचे, यहाँ सैनी भवन में ठहरे, सुबह सुबह देसी घी का हलवा खाया। बस अब हरियाणा की बारी है।